आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सर्चिंग पेज जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम अपनी एक साइट बना लेते हैं। डब्ल्यू डायरेक्टरी के ऊपर हम गए और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके अभी पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास चलेगा जिसमें हम सर्चिंग पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, और फिर लॉगिन के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे एडमिन पैनल किस तरीके से बनेगा, मेंबर प्रोफाइल किस तरीके से बनेगी, शॉपिंग कार्ड किस तरीके से बनेगा। तो यही प्रोजेक्ट जो है ना वो हम लेके चलेंगे और इसको फिर आगे चल के उसमें भी कवर करेंगे, एमवीसी के अंदर भी कवर करेंगे। और उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे जो है वेबसाइट हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसको मैं माई प्रोजेक्ट के नाम से मैं इसको बना रहा हूँ। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये करना है कि मैं आज आपको जो अटैचमेंट दूंगा उसके अंदर दो चीजें मैं आपको दूंगा, एक ये डेटाबेस कनेक्शन की फाइल है और दूसरा आपको ये फोल्डर है इमेजेस का। इन फ्यूचर में ये करेंगे कि हम जैसे मैं अपनी कोई चीज अपलोड करता हूँ तो वो आप लोगों को मिल जाती है, तो इसी तरीके से आपको अपलोडिंग का हम पेज बना के देंगे जहां पर हम इसको खुद ब खुद वेबसाइट के अंदर से अपलोड करेंगे। फिलहाल मैंने इसके अंदर दो फोल्डर बना दिए, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट की इमेजेस का एक फोल्डर है जिसमें इमेजेस पड़ेंगे वो आपको नजर आ रही है, दूसरा इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का जो है ना फोल्डर है, यानी डेटाबेस कनेक्शन की एक फाइल है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वक्त एक वेबसाइट के लिए दो प्रीरिक्विजिट्स जो है वो यहाँ पर बना ली है। पहली चीज ये एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जो प्रीरिक्विजिट फोल्डर है इमेजेस का वो हमने रख दिया और डेटाबेस कनेक्शन की फाइल जो है ना वो हमने रख दी है। तो होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा, क्लियर है? Yes, sir, sir. जी सर, जी सर, क्लियर। आगे चलते हैं और इसके अंदर अब हम फाइल पे गए, ओपन फोल्डर, और इसके अंदर हमने माई प्रोजेक्ट जो है इसको सिलेक्ट कर दिया। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन की जो फाइल है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके अंदर आप ये देखें तो यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें हमने नहीं लिखी हुई है, कनेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स को फिक्स किया हुआ। ठीक है, और ये कनेक्शन की फाइल है वो हमने रखी हुई है dbconnection.inc, यानी इंक्लूड फाइल है जो कि हम दूसरी जगहों पर जो है वो उसको इंक्लूड करें। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो पहली चीज है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सर्वर नेम। हमारे पास सर्वर होता है डेटाबेस का, वो लोकल होस्ट होता है। यूजर नेम फिलहाल रूट ही होता है। इन फ्यूचर में जब हम कोई होस्टिंग सर्विस यूज करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि हम जो है यूजर नेम और पासवर्ड को अलग अलग रखें। फिलहाल हमने क्या किया हुआ है, इसको रूट ही इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, पासवर्ड इस वक्त ब्लैंक होता है। ये हमारी वो डेटाबेस का नाम है जो कि यहाँ पर आपको MySQL के अंदर नजर आ रही है, जो मैंने एज अ प्रोजेक्ट डेटाबेस आपको कहा है कि भाई सब लोग इसको अपने पास जो है ना वो कर लें। अगर आपने ये इम्पोर्ट नहीं की है तो फिर ये मसला होगा। फॉर्म डीबी के नाम से हमने इसको रखा हुआ है और इसके अंदर हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे जिसमें सर्चिंग पेज हम किस तरीके से बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने सॉर्टिंग वगैरह भी इसमें देखा था उसको भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद पेजिनेशन है वो भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। सारी चीजें इसमें वन बाई वन जो है ना वो हम कवर करेंगे, और साथ ही में भी हम ये देखेंगे डिटेल किस तरीके से आएगी वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। सर्चिंग भी दो किस्म की होती है, एक सिंपल सर्चिंग है एक कॉम्प्लेक्स सर्चिंग है, उसको भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई होगी। अच्छा, इमेजेस की जहां तक इसके अंदर बात है ना, तो इसके अंदर आप जाए तो आखिर में यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है कि ये डेटा का एक फोल्डर है और यहाँ पर इमेज पड़ी है 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg। अब ये एडमिन जो होगा ना हमारी वेबसाइट का, वो प्रोडक्ट क्रिएट करेगा जैसे मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो शॉपिंग कार्ड बनाते हैं, वो उनको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे इमेजेस वगैरह उनको जो है वो नजर आ रही होती है। इसको भी हम अपने टेम्पलेट बेस्ड जो है वर्किंग करेंगे और उससे उसको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये तो हमारे पास एक प्रीरिक्विजिट्स हो गई डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ हम बहुत सारे ना फंक्शंस यूज करेंगे। अब जैसे मैंने आपको जो वेबसाइट का लिंक दिया है उसके अंदर आपको ई बुक्स के नाम से एक फोल्डर भी दिया है,
और उसका फायदा यही है कि उसके अंदर आपको एक किताब एक बुक है उसके अंदर बहुत सारे पीएचपी के फंक्शंस लिखे हैं। अब ये फंक्शन की आपको बुक जो है ना काफी जगहों पे मिलेगी, जैसे हम लोग जब मोंगोडीबी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको फंक्शन की बुक देंगे तो फंक्शन बड़े जरूरी है। इसी तरीके से हम जब एमवीसी पढ़ेंगे तो उसमें भी फंक्शन की बुक है, उसको भी आपको दे देंगे तो उसमें आपको फंक्शन की बुक जो है ना वो हेल्प करेगी, क्योंकि ये सारा काम ही आपका जो है ना वो फंक्शन के गुड होता है। तो MySQL I_ connect एक फंक्शन है पीएचपी का, इसको चार चीजें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। तो ये डेटाबेस को कनेक्ट कर देता है। अच्छा, ये जो फाइल है वो हमने अलहदा क्यों बनाई हुई है? ये हमने अलहदा इस वजह से बनाई हुई है कि मैं इसको जहां जहां यूज करूंगा वहां उसको इंक्लूड कर लूंगा और मैं हर जगह ये कोडिंग नहीं लिखना चाह रहा हूँ। अब इन फ्यूचर में चल के हम आगे चल के जो टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके अंदर भी हम यही चीज जो है ना वो यूज करते हैं कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। तो हम ये करते हैं हेडर, फुटर, साइड बार जो होते हैं आपके, हम उनको अलग अलग इंक्लूड फाइल बनाते हैं और उनको अपने टेम्पलेट में इंक्लूड कर लेते हैं। वरना ये हो कि जब भी हम हेडर को चेंज करेंगे तो हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यह है कि जिस तरह से हम डेटाबेस पे एक जगह रख रहे हैं इस तरह से हेडर को रखेंगे, फुटर को रखेंगे, साइड बार को रखेंगे या वो कंपोनेंट्स जो कि हमें रीयूज करने हैं उनको हम अलग अलग इसके अंदर बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये तो इंक्लूड फाइल की जो ना कहानी हो गई कि हम उसको किस तरीके से उसको यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर, सर्चिंग पेज जो हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम गए, इसके अंदर आपने एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर ली, फाइल मैंने सर्च का नाम दे दिया search.html। जहाँ पर भी उसको यूज करना होगा ना इस डेटाबेस कनेक्शन की फाइल को तो हम उसको इस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ये इसके मतलब इंक्लूड है ना सर, आईएनसी इंक्लूड। हां इंक्लूड के सिंटैक्स को इंक्लूड करेंगे इस तरीके से इंक्लूड और इसको हम दे देंगे डीबी कनेक्शन डॉट आईएनसी इंक्लूड, ठीक है। कोई भी ऐसा कोड या कोई भी ऐसी HTML जिसको मुझे बार बार यूज करना हो तो मैं उसकी अलग अलग फाइलें बनाता हूँ। मैं ये कोड यहाँ भी लिख सकता था, ये पूरा कोड जो है ना उठा के यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जब भी मुझे डेटाबेस कनेक्शन को चेंज करना होगा या फिर मैं कोई हेडर में कोई चीज चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे हर फाइल में जाके करना पड़ेगा। हम ये करते हैं कि ऐसी फाइलें जो कि हमें अलग अलग जो है ना जगहों पे यूज करनी है और उसका कोड सेम है तो उसको एक अलग फाइल बना लेते हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर एक जगह पे आपने यूज किया ये सिंटैक्स तो मतलब ये सब पे अप्लाई होगा जहाँ जहाँ की जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत होगी वहाँ पर जैसे हम ये सिंटैक्स लिखेंगे इंक्लूड डीबी कनेक्शन डॉट आईएनसी तो डेटाबेस कनेक्शन बन गया। कनेक्शन का जो एक्सटेंशन है वो .inc क्यों दिया है, कोई खास वजह इसकी? मैं समझ नहीं, दोबारा से बोले सर। मैं कह रही हूँ dbconf का जो एक्सटेंशन है वो inc क्यों दिया है, .inc क्यों दिया है, कोई खास वजह? inc दरअसल इस वजह से देते हैं कि हमें उसकी पहचान हो कि ये इंक्लूड फाइल है, ठीक है ना, इंक्लूड फाइल की वजह से हम उसको INC देते हैं, वरना नॉर्मल जो फाइल होती है PHP की होती है, ठीक है। तो हम अपनी सहूलत के लिए देते हैं, वैसे हम इसको PHP भी रख सकते हैं, ओके आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो चीज है उसकी तरफ इसके अंदर क्या नाम है HTML पहले बनाने के लिए HTML बना लूं तो चीज सब लोगों को रट गई होगी। तो मैं जितना ज्यादा ना उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा डिजाइनिंग के ऊपर, रीजन उसका यही है कि हम टेम्पलेट यूज करने वाले हैं।
यहाँ पर मैं सर्चिंग के लिए ना फॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे उसके लिहाज से वो सर्च कर सकेंगे हम, ठीक है। तो टेबल नहीं आते हैं सर, टेम्पलेट ये डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जो जो हम जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी डिजाइनिंग की सर? देखिए टेम्पलेट आपको इतना हम कवर करवाएंगे कि आप 100% उसको कस्टमाइज कर सकें, ठीक है। आप वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कस्टमाइज सर, वो मतलब कस्टमाइज भी फिर भी मतलब HTML की हेल्प से होगी सर? हाँ तो उतनी HTML हम सिखाएंगे ना, जो अभी मैं HTML सिखा रहा हूँ ये वाली HTML आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक सर, ठीक। जब तो मैं बार-बार वैसे तो सर मैंने मेरी HTML और CSS क्लियर है काम कर रहे हैं भाई। जितनी देखिए वैसे तो मैं किताब में बेताश आपको HTML की भी रख दूंगा, आप जावास्क्रिप्टिंग की भी रख दूंगा, आप jQuery की भी रख देंगे और MVC की भी रख देंगे, लेकिन किताब में पढ़ने से आप एक भी वेबसाइट नहीं बनती। हम ये कह रहे हैं जो मैं अभी सिखा रहा हूँ बस वो सीख लो, आप एक वेबसाइट बना लोगे पूरी, वरना 10 किताब में भी आप पढ़ लो नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको फोकस करें जो मैं कर रहा हूँ, और उतनी ही HTML आप सीख लो जितनी मैं सिखा रहा हूँ, तो उससे आप पूरा एक वेबसाइट बना पाओगे। बाकी फिर ऐसे ऐसे पढ़ते रहना, HTML तो बहुत बड़ी, ठीक है। अच्छा फॉर्म के अंदर जो है ना वो टेबल बना रहे हैं, यहां हमने इसको दे दिया इंटर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आप जो टाइप करेंगे ना, जो हमने आपको उसको क्यूरी में देखा था वो हम टाइप करेंगे इनपुट के अंदर। अब इस ये जो HTML में सिखा रहा हूं ना ये आपको आनी चाहिए लाजमी, इसमें टाइप दे दिया आपने टैग्स, नेम लाजमी देंगे, फिर इसके अंदर एक सबमिट का बटन भी देते हैं, TR बना देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं। इसके नीचे ना इस फॉर्म के नीचे अब हम एक सर्चिंग पेज बना रहे हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स आएंगे। अब इसके लिए फॉर्म की जरूरत नहीं है, कभी भी पूरी HTML फॉर्म नहीं बनती, एक पार्ट ऑफ द HTML फॉर्म बनती है। अब जैसे इन फ्यूचर में आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लगा देंगे डेटा टेबल लगा देंगे जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर हमने TR बना दी और उसके अंदर कॉलम हमने बना दिया TD। अब तो पहला हमारे पास कॉलम है वो है इमेज का, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज आएगी। दूसरा जो कॉलम होगा उसमें नेम आएगा, तीसरा जो होगा उसमें कैटेगरी आएगी, चौथा जो होगा उसमें प्राइस आ रहे होंगे। सारी चीजें हमें पहले भी थोड़ी देनी, इसमें फिर हम डिटेल का एक पेज लिंक बनाएंगे। तो जैसे ही हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिटेल शो कर देंगे, इसको डिटेल दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो होगी हेडिंग, अब ये TR जो है नीचे देंगे और इसके अंदर जो है ना हम डेटा पॉपुलेट करेंगे दूसरी TR के। अच्छा ऊपर जो है ना हमारे पास एक तो बना दिया TR में हमने नेम, दूसरा हम TR में बना रहे हैं कैटेगरी जिसमें कॉम्बो के अंदर डेटा आएगा। सब कुछ ना HTML चल रहा है, तो पीएचपी नहीं आई है फिर ऊपर इंक्लूड के लाभ। अब यहां से देंगे सिलेक्ट कैटेगरी नेम,
सिलेक्ट कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर अब यहां मुझे चाहिए कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो के लिए अब ये देखिए नई एचटीएमएल आ गई, सिलेक्ट यूज करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, जिसमें ऑप्शंस पर करेंगे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शन जो है ना मुझे डेटाबेस से उठाने और ये सर्चिंग के तौर पे यूज होगा, तो इसका नेम आ जाएगा, नेम इक्वल टू कैट। ठीक है जी, अब चूंकि मुझे ये ऑप्शन जो है डेटाबेस से उठाना है, तो इतना जरा पहले पेज को रन करके देखते हैं और इसमें देखते हैं कि ये चीजें सही चल रही है नहीं चल रही, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसको एक्सटेंशन जो है ना पीएचपी में करना होगा, वरना ये क्योंकि इंक्लूड का जो सिंटैक्स है वो नहीं चलेगा। इसको रीनेम कर देते हैं और सर्च डॉट पीएचपी। इसको चला के देखते हैं, अभी भी ये नहीं चलेगा। रीजन उसका ये है कि इसका वर्चुअल होस्ट जो है ना वो हमें बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है माय प्रोजेक्ट, इसका वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसका फिजिकल पाथ हमने नोट कर लिया है। इसमें और इसके अंदर एड अ वर्चुअल होस्ट ऊपर गए, माय प्रोजेक्ट और स्टार्ट इनिशियल वर्चुअल होस्ट, उसके बाद हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये माय प्रोजेक्ट नीचे आ रहा है, सेलेक्ट किया हमने सर्च के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास पेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेटाबेस कनेक्शन बन गया, वरना ये यहीं पर एरर हमें दे देता। अब हम ये देखते हैं कि डेटाबेस को डाटा को किस तरीके से गेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको जस्ट है ना तीन लाइने सिखाऊंगा, ठीक है, वो तीन लाइने आप सीख ले पूरी वेबसाइट बना ले, इसमें आसान चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पहली चीज ये है कि जैसे शुरू से हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज को हमें प्रोग्राम करना है सिर्फ उस चीज को प्रोग्राम करें, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस को प्रोग्राम करना है, तो हम सिर्फ पीएचपी अप्लाई करेंगे ऑप्शन पे, डेटाबेस उठ के आएंगे। और इसके अंदर सबसे पहले इसको तो हम प्रिंट के टैग के अंदर बंद करेंगे। सर क्वेश्चन है सर, हाँ बोले सर, कभी कभी सर एक से ज्यादा प्रोग्राम हमें वो करने होते हैं, प्रोग्राम करने होते हैं, एक एक पे अलग अलग पीएचपी अप्लाई करेंगे सर। हाँ, तो अलग अलग में पूरी वेबसाइट ही करनी पड़ती है सर। नहीं, इसके अंदर ये होता है कि पूरा पूरा टैग जो है वो हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखिए इसका आपको सही आइडिया जब होगा, जब हम टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर आएंगे ना, तो उसमें पेजिनेशन को भी हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें डेटाबेस प्रोग्राम होगा, उसमें चेकलिस्ट भी प्रोग्राम होगी, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक प्रोफेशनल लुक आएगा ना। थोड़ा सा वेट करो, अभी फिलहाल जो सिखा रहा हूँ ठीक है सर। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन थी तो इसलिए पूछ लिया सर। हाँ, तीन लाइनें हमें सीखनी है, तीन लाइनें आप सीख लो पूरी वेबसाइट आपकी बन जाएगी। तो पहली चीज है क्यूरी, क्यूरी हमने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी, डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लाइंस। ये देखिए क्यूरी सही होनी चाहिए, ये हमने क्यूरी लिख ली, जो कि आपको क्या कर रहा है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको उठा के लेके आ रहा है। जाके इसको चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपकी क्यूरी सही नहीं होगी कभी भी नहीं चलेगा।
प्लेटफॉर्म डीबी के ऊपर हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट लाइंस का, जिसके अंदर आपको तमाम कैटेगरीज जो है वो नजर आ रही है। इसके अंदर आप ये देखें कि जो हमारे पास कैटेगरी नेम है ना वो जीरो पोजीशन के ऊपर और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वन पे पड़ेगी। तो हमें जीरो पोजीशन से तमाम कैटेगरीज को यहाँ पॉपुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले क्वेरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम कमांड नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसकी मदद से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो MySQL I _ क्वेरी और इसके अंदर सबसे पहले आप देंगे डॉलर फॉर्म। अब डॉलर फॉर्म क्या है, हमारे कनेक्शन वेरिएबल का नाम, उसके बाद इसको देंगे डॉलर क्यूरी। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये फंक्शन क्या कर रहा है, MySQL I _ क्वेरी ये क्या कर रहा है कि आपको आपकी क्वेरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। आप जब भी किसी क्वेरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे यही लाइन लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फेच करते हैं। तो रिकॉर्ड फेचिंग के लिए हम एक रॉ नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, डॉलर रॉ इज इक्वल टू MySQL I _ फेच फेच _ रॉ, ठीक है। और उसके अंदर हम उसको दे देंगे डॉलर कमांड। तो ये तीन लाइनें, उससे आपका सर्चिंग पेज बनेगा, रजिस्ट्रेशन बनेगी, लॉगिन बनेगी, अपडेट प्रोफाइल बनेगा, सब कुछ बनेगा इन तीन लाइनों से। पहली लाइन क्यूरी है, अब क्यूरी में आपका सेलेक्ट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। दूसरी लाइन उस क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रही है। तीसरी लाइन की हमें जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हम SQL लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लिखते हैं। अगर वहां पर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम और शॉर्ट हो जाएगा। यानी आप सब पहले इंसर्ट के पेज के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए आपको सिर्फ दो लाइनें लिखनी है। फिलहाल अभी हम सिलेक्ट यूज कर रहे हैं तो तीन लाइनें लिख रहा हूं। तो तीसरी लाइन क्या कर रही है, एक एक रॉ फैच करके ला रही है। अभी ये हो रहा है ये सिर्फ पहला रिकॉर्ड फैच करके लेके आएगी और उसके अंदर आप उसको गेट करेंगे। तो पहला रिकॉर्ड में आपके पास जो कार्स का डाटा है वो आपके पास आ जाएगा, उसको मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हम यहां पर देंगे डॉलर रॉ और इसके अंदर देखिए बहुत सारे कॉलम, जैसे जीरो कॉलम मुझे एक्सेस करना है, देखो डॉलर रॉ जीरो। तो आप सब लोग मुझे ये बताएं कि ये जो तीन लाइनें अभी हमने पढ़ाई हैं या ये डॉलर रॉ हमने जीरो लिखा है ये समझ में आया? जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ये तीन लाइन नहीं आया, नहीं आया, नो सर समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यूरी कैसे लिखते हैं, ये लास्ट क्लास वाली चीज है। क्यूरी लिखनी आती है SQL? जी सर तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन पहली लाइन समझ में आ गई जी सर। दूसरी लाइन क्या कर रही है, उस क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट करिए जी सर। हाँ, ये हमेशा जब भी आप क्यूरी को लिखो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे, कनेक्शन वेरिएबल आप बनाओगे, ये कनेक्शन वेरिएबल बना हुआ है डीबी कॉन के अंदर, ये बना yes, इसके साथ इसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तीसरी yes, लाइन क्या कर रही है कि एक एक रॉ को फेच कर रही है, उसके नाम से ही जाहिर है MySQL I _ फेच रॉ क्या कर रहा है, एक एक रिकॉर्ड को फेच करके लेके आ रहा है। उस रिकॉर्ड में बहुत सारे कॉलम है, उसमें से पहला जो कॉलम मुझे एक्सेस करना है वो है आपके पास कैटेगरी जो मैं यहां से उठा रहा हूं, yes, ठीक है। तो ये आपको पहले रिकॉर्ड का इस वक्त ये करेगा, पहली रॉ का पहला कॉलम उठ के आ जाएगा यार, ठीक है। चला के देखते हैं, yes, sir, फिर इसको फिर हम yes. आगे पहला रिकॉर्ड डेटाबेस से उठ के आ गया। अब अगर मुझे दूसरा रिकॉर्ड लाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है इसका कि जनाब इसको फेच करें और फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आएगा, लेकिन ये तो कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, मैंने अगर दूसरा रिकॉर्ड मुझे लाना है तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा
और उसके बाद जनाब कंट्रोल डी किया, ये दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड आ जाए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लूप, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये बताएं कि सब लोगों सर, एक और क्वेश्चन है सर। आप बोले सर, दूसरी रो को हमने जब अप्लाई किया तो वहां पर भी रो को हम जीरो ही रखा ऑप्शन में सर? नहीं देखो, रो जीरो नहीं है। देखो रॉ जो है ना वो MySQL underscore fetch raw से आ रही है। जितनी दफा MySQL underscore fetch raw की स्टेटमेंट यूज करोगे उतनी दफा नई रॉ आएगी। सर मेरे कहने का मतलब है, अगर जस्ट हम MySQL रॉ वाली लाइन रिपीट ना करें, जस्ट प्रिंट वाली लाइन रिपीट करें अगेन एंड अगेन, क्या ये अप्लाई नहीं हो सकता सही से सर? नहीं हो सकता, जब तक आप रॉ फेच नहीं करोगे इसमें रिकॉर्ड ही नहीं आएगा। जीरो तो यहाँ पहले कॉलम को शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जीरो की जगह वन लिख देता हूँ, तो ये दूसरा कॉलम इसमें उठा के लेके आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड नंबर वन और रिकॉर्ड नंबर टू का होगा सर। ठीक सर, इस वक्त अगर हम इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये अब आपको देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन की क्यूट क्या आ रही है, तो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर ये करना था कि पहला रिकॉर्ड सर सिर्फ उठा रहा था, तो हम यहाँ पर जीरो ही देंगे, क्योंकि खाली मुझे कैटेगरी के नाम से ही मतलब है। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर सारे रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर वाइल का लूप लगा दूंगा, और वाइल का लूप लगाने के लिए जस्ट आपको इससे पहले लिखना होगा वाइल ब्रैकेट ओपन, और इसको मैंने दे दिया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड उठा के लेके आ जाएगा। अब मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर है। ओके जी, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछे। नो सर, बिल्कुल क्लियर। चले सद्दाम ने तो बोल दिया, और कोई बताया भाई जिसको समझ में नहीं आया? देखिए इसमें ये होगा कि आप ये ना आप लोगों को असाइनमेंट बना के देना होगा सब लोगों को। अगर सब लोग चुप है तो अब आपको ये करना है कि हमारे पास दो टेबल है, एक है कंट्री का जो आप सब लोग जानते ही, और एक है कस्टमर का। मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त प्रोडक्ट लाइंस का और प्रोडक्ट का टेबल। आपको यूज करना है कंट्री का और कस्टमर का टेबल, और उसमें कंट्री वाइज सर्चिंग आपको शो करके दिखानी है। जैसे मैं कैटेगरी वाइज सर्चिंग करूंगा, फिर यहाँ मैं प्रोडक्ट का नाम टाइप करूंगा, प्रोडक्ट का डाटा आ जाएगा। आप वहाँ कस्टमर का नाम टाइप करेंगे, कस्टमर का डाटा आना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स सर्चिंग भी हो कि ये कैटेगरी है और ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट का नेम वोट किया जाए, तो आप ये करेंगे ये कंट्री और ये कस्टमर का नेम वोट किया जाए। ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, वैसे मैं आज क्लास को पोस्ट करूंगा, उसमें असाइनमेंट लिख भी दूंगा, तो उसको जो है ना आप सब लोग जो है ना मुझे सबमिट करवाएंगे। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने सबमिट करवाए थे मुझे असाइनमेंट, बहुत आसान से असाइनमेंट दिए थे मेरे। लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे यही कि आपको ना सिंगल सिंगल पेज जो मैं बनाऊंगा वो आपसे भी बनवाऊंगा, और फिर एट दी एंड जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको नया प्रोजेक्ट हम दे देंगे नए टेम्पलेट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पूरी अपनी वेबसाइट बना लेंगे। लेकिन वेबसाइट उसी वक्त बनेगी जब हमारे साथ आप सिंगल सिंगल पेज के अंदर काम करते रहेंगे। अगर आप हमें सिंगल सिंगल पेज नहीं बना के दिखाएंगे तो वेबसाइट भी नहीं बनेगी, और ये हमारे पास ओवरऑल चलेगा। चाहे आप MVC पढ़ेंगे, चाहे आप MongoDB पढ़ेंगे, चाहे Node.js पढ़ेंगे, चाहे हम React पढ़ेंगे, सबके अंदर यही होगा कि जो मैं पेज बनाऊंगा उसी जैसा आपको भी बनाने के लिए देंगे। तो अभी से फिलहाल ठीक है नहीं, आगे चलते हैं। और अब हम देखते हैं प्रोडक्ट का डाटा कैसे आएगा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि यार ये बस तीन लाइनें आप सीख लो तो जिंदगी आसान है, तो इसको हम आ जाते हैं नीचे। ये रहा, अब मुझे जो प्रोग्राम करना है इस TR को करना है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर कोडिंग हम लिखेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्वेश्चन मार्क दिस, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर प्रिंट, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब यहाँ पर मैं बार बार क्यूरी नहीं लिखना चाहता, मैंने एक डबल लिख ली है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ से कंट्रोल सी किया और नीचे ला के मैंने इसको कंट्रोल
ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास टेबल का नाम चेंज कर दूंगा मैं। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट के टेबल का नाम है वो है प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैंने सो कर दिया प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर मुझे डेटा लेके आना है, जैसे इमेज देखता हूं मैं ये किस पोजीशन पे आ रही है, एक सौ में डॉलर रॉ तो आ गई, ये रॉ हमारे वेरी रॉ है ना वो। अब इसके अंदर देखिए मैं फिलहाल 0-0 दे देता हूँ, फिर इसकी पोजीशन हम देखेंगे किस पोजीशन पे ये आ रहा है। तो इमेज जो है वो मेरे पास आ रही है, और इमेज की पोजीशन देखने के लिए स्ट्रक्चर पे ना प्रोडक्ट्स पे है, प्रोडक्ट्स की इमेज आ रही है आपके पास 10, यानी 9 पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो 9 पोजीशन के ऊपर लिखते डॉलर नॉट 9, फिर उसके बाद मुझे यहां लाना है नेम, डॉलर रॉ और नेम की पोजीशन देखते हैं क्या है। नेम की पोजीशन है यहाँ पर 2, अब 2 और 1 इस वजह से कह रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर वो दिखा टू रहा है तो उसको हम 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। फिर उसके बाद आ रही है जनाब कैटेगरी, तो इसको हम कर देंगे डॉलर रॉ, और डॉलर रॉ के अंदर अब जो हमारे पास कैटेगरी है वो आ रही है 3, यानी 2 पोजीशन के ऊपर आ रही है, तो इसको कर देंगे 2। फिर उसके बाद आ रहा है प्राइस, तो प्राइस मेरे पास आ रहा है 8, यानी 7 पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ बदल देंगे 7। गलत हो गया, डॉलर रॉ 7। फिर डिटेल एक हाइपरलिंक बनाना है, जिस पर मैं क्लिक करूंगा तो डिटेल चली जाएगी, तो फिलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही रख रहे हैं, और इसको अभी हम चला के देखते हैं तो आपके पास ये कुछ रिजल्ट या शो कर रहा होगा। इसके अंदर भी हमें पेजिनेशन लगानी होगी कि सारे रिकॉर्ड एक साथ ना आए, क्योंकि वो तो एक लाख रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड आएगी तो मसला हो जाएगा ना, तो हम उसके अंदर पेजिनेशन पे ना वो सेट करेंगे। फिलहाल इसको चला के देखते हैं, तो ये सारा डाटा जो है ना मेरे पास आ गया। अभी फिलहाल इसमें मुझे 2 काम करने हैं, एक तो मुझे इमेज लगानी है और दूसरा मुझे डिटेल पे हाइपरलिंक लगाना है। ये एक नई एचटीएमएल हो जाएगी जिनका एचटीएमएल नहीं आता, इमेज कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम एचटीएमएल ही पढ़ रहे हैं, जब तक मैं आपको टेम्पलेट पे लेके आऊंगा आपको अच्छी खासी एचटीएमएल कवर करवा देंगे, जैसे आपको टेम्पलेट समझ में आ रहा हो कि टेम्पलेट में टैग्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, या टेम्पलेट डिजाइनिंग जो है ना वो किस तरीके से हमारे पास आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, क्लियर? आगे चले, क्लियर जी सर, क्लियर है, आगे चले। चले अब हम चलते हैं, और इसके अंदर हम ये देखते हैं भाई इमेज अगर मुझे बनानी हो तो सिंपल सी बात है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर हम एक टैग एचटीएमएल का लिख लेते हैं, इमेज का ये टैग है, इसके अंदर हम यूज करेंगे सोर्स एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आप कोई भी इसके अंदर पाथ जो है ना वो दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इसको दे दिया डाटा /1.jpg, ठीक है, तो ये आपको इमेज शुरू हो। फिर इसके साथ साथ आप इसके अंदर बता सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है, वो हमने उसको असाइन कर दिया, इसकी हाइट कितनी है ये भी हमने असाइन कर दी। अभी मैंने इसमें कोई पीएचपी राइट नहीं की, जस्ट मैं इमेज का टैग बता रहा हूँ कैसे करना है। इसी तरीके से अगर कोई मुझे डिटेल पेज बनाना है, उसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिंक कैसे करूंगा, सबसे पहले तो डिटेल पेज बना लेते हैं। डिटेल पेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है, न्यू फाइल मैंने ली और उसको मैंने नाम दे दिया डिटेल प्रोडक्ट .php। इस डिटेल प्रोडक्ट के अंदर जो है हमने फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा, और इसको मैं जो है ना वो लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर ना एंकर करके, तो यहाँ पर हमने ये एंकर टैग यूज कर लिया। अब इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक इसके अंदर होता है href जिसमें हम लिंक बनाएंगे, एचरेफ के अंदर हम उस पेज का नाम लिख देंगे डायरेक्ट,
यहाँ पर जो हमारा पेज है उसका नाम है डिटेल, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, और इसको यहाँ पर अंदर भी बता देंगे डिटेल। ये जस्ट मैंने अभी दो चीजें आपको सिखाई है, ये है एचटीएमएल। ताकि आप समझ में आ गए सब लोगों को, किसी को कोई मसला बताएं इमेज में और एंकर करने में? नो सर, कोई मसला नहीं। एचटीएमएल आसान सी लैंग्वेज है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। खुद बोल दिया एचटीएमएल की मैं क्या हूँ। तो देखिए इमेज भी आ रही है और डिटेल, मुझे इमेज और डिटेल दोनों यहाँ चाहिए, मुझे डेटा टेबल भी चाहिए। इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंगल कोड में कन्वर्ट करेंगे। रीजन उसका ये है कि हमारे पास प्रिंट के अंदर ये चीज काम नहीं करती। इसी तरीके से यहां पर भी अब आप इसको उठाएं यहां से Control X, और इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा कंट्रोल। ठीक है, अब चला के देखते हैं। ये सारी इमेजेस जो हमारे पास पड़ी है वो भी आ रही है, और साथ ही में जब हम उसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल दूसरे पेज पे अभी जो कि आप बनाएंगे वो भी हमें। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई भी मसला? जी सर क्लियर है। ठीक है, अब देख क्लियर का मुझे अभी पता चलेगा जब लोग आप लोग मुझे असाइनमेंट बना के दिखाएंगे। सही है? यस सर। असाइनमेंट का मैं आपको वेट करूंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले सब लोग मुझे असाइनमेंट देना वो बना कर दिखाएं। किसी को भी कोई भी मसला है तो कल मैं आपके लिए दोबारा आ सकता हूँ 9 बजे ही। कल वैसे क्लास नहीं होती, लेकिन अगर किसी को इस क्लास में मसला हो ना तो वो कल मुझे ज्वाइन कर ले दोबारा 9 बजे। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये समझ ले हमारी फाउंडेशन क्लास है। जिसको ये समझ में आ गई ना वो पूरा कोर्स कर सकता है, और जिसको ये समझ में नहीं आ रही उसको मुझे आगे लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर्चिंग के ऊपर ना, यानी कोई भी कीवर्ड पे टाइप करूँ तो वो हमारे पास सर्चिंग में आ जाए। तो फिलहाल ये वर्क कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1969 और मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू सबमिट हो रही है, मुझे जस्ट रिसीव करना है। कैटेगरी भी जा रही है, प्रोडक्ट का नेम भी जा रहा है। अब ये भी चीज पुरानी हो गई कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनपुट कैसे रिसीव करते हैं। टॉप ऑफ द पेज जाएंगे, यहाँ पर हम दे देंगे इसको डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर कैच। अगर मैं यूआरएल से डेटा रिसीव कर रहा हूं और उसके वेरिएबल मैंने दे दिया नेम, ये नेम को पिक कर लेगा और जो गेट नेम का वेरिएबल है उस पर डाल देगा। अब इस नेम को मुझे सर्चिंग पे लगाना है, बहुत सिंपल है। कंट्रोल सी किया मैंने, लास्ट टाइम क्यूरीज हमने पढ़ ली थी तो यहाँ पर हम गए प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर, सिलेक्ट स्टैरिक फॉर प्रोडक्ट्स। अब देखिए मल्टी लाइन में लिख सकते हैं इसको, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए वेयर वेयर, अब यहाँ पर कॉलम का नाम सही होना चाहिए। कॉलम का नाम जो है प्रोडक्ट नेम है। ठीक है जी, यहाँ देखिए वेयर प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ देखिए लाइक ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था और इसके अंदर मैंने दिया डॉलर नेम। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये नेम देना कहीं पर भी आता हो, शुरू में आता हो, आखिर में आता हो, मिडिल में आता हो, तो इससे पहले और आखिर में हम दे देंगे इसको परसेंटेज। इसका फायदा हमें ये होगा कि कहीं पर भी ये नेम आता होगा तो ये उसको उठा के लेकर आ जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं।
देखिए 1969 आ गया, 1972 सर्च करता हूँ मैं, ये भी आ गया, दोबारा मैं 1969 सर्च करता हूँ, ठीक है जी, तो ये सर्चिंग तो वर्क कर रही है, क्लियर है, सिंपल, हमने जो लास्ट टाइम स्टेट उसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसको जो फर्स्ट टाइम हम चलाते हैं लेकिन क्योंकि नेम का वेरिएबल हम नीचे यूज कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डॉलर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, इससे यह होगा कि फर्स्ट टाइम का मतलब हमें सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। यहां से देखिए इफ सेट, देखिए इन तीन लाइनों का मतलब ये नहीं कि ये तीन लाइनें हम पढ़ेंगे भाई, जितनी चीजें पुरानी पड़ी हैं वो तो यूज होंगे ही। इफ सेट और इसके अंदर देखिए डॉलर अंडरस्कोर कैच और इसके अंदर अपने ब्रैकेट के अंदर इसको दे दिया नेम स्मॉल और फिर उसके बाद अगर इसको इनपुट में लेगा तो वो उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज वो इसको चलाएगा। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। यहां पर हम गए, अब देखें फर्स्ट टाइम पे इसने कोई एरर नहीं दिया और 1969 को हम सर्च करेंगे तो इसने लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि 1969 और क्लासिक कार आए इसके अंदर, अभी नहीं आ रहे क्योंकि कंपोजिट सर्च हमने अप्लाई नहीं किया अभी इसमें, यानी क्लासिक कार दूं मैं या खाली क्लासिक कार सर्च करूं तो वो आ जाए, अभी वो भी नहीं आ रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही काम हम कैटेगरी के साथ भी देंगे। तो ये जो हमने तीन चीजें यहाँ पर अप्लाई की है जो कि हम पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चीजें हम कैट के साथ भी करेंगे, तो इसको देंगे डॉलर कैच, कर देंगे कैच और यहाँ पर भी हम कर देंगे कैट, इसको भी यहां कर देंगे कैट, अब ये जो कैटेगरी है ये हमें नीचे भी देनी पड़ेगी, कहां देंगे इसको, इसको हम देंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट नेम लाइक दिस, एंड एंड ऑपरेटर आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड प्रोडक्ट लाइन लाइक, और ये चीज दोबारा आ जाएगी यानी परसेंटेज देंगे इसको, डॉलर कैट देंगे, परसेंटेज देंगे, ठीक है, और ये चीज अब ये दोनों तरीके से सर्च कर रहा हूं, यानी चाहे आप इसके नेम टाइप करें चाहे इसके अंदर आप कैटेगरी टाइप करें ये सबको सर्च कर रहा होगा। सेव ऑल करते हैं, चलाने देखते हैं, आप देखिए मुझे क्लासिक कार सर्च करनी है, मैंने कहा यहाँ से क्लासिक कार, सॉरी क्लासिक कार, अब मुझे क्लासिक कार और 1972 वाली सर्च करनी है, तो मैंने कहा क्लासिक कार आ जाए इसके अंदर और इसको दे दिया 1969 मुझे। अच्छा अब इसके अंदर एक मसला आया, एक मसला ये है कि मैं ऑल अगर कैटेगरी सर्च करना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक नेम के लिहाज से तो वो सर्च नहीं आ रही, तो उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो चीज अभी मैंने की है कॉम्प्लेक्स सर्चिंग ये समझ में आई, जी सर भाई किसके समझ में नहीं आई ये बताया मुझे, ये समझ में आना जो है बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। सबके समझ में आ गई, आगे चलते हैं, ये आप लोग मुझे गो हेड दे रहे हैं कि भाई आगे चले आगे चले, क्योंकि आप लोग बोल ही रहे थे समझ में आ रहा है, ओके जी हम आगे चलते हैं। अब मुझे मसला ये आ रहा है कि यार ये जो है ना ऑल सर्चिंग कैसे होगी, ऑल सर्चिंग के लिए हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी है ना,
उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देंगे, जो टैक्स फील्ड है वो तो नल हो जाती है, लेकिन ये आपके पास नल नहीं होता, तो आप क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू उसमें नल असाइन करते हैं, बहुत सिंपल है वो, आप उसको देते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन या असाइन कर दें और उसमें ब्लैंक ऑप्शन दे दें, उसका फायदा आपको ये होगा कि इनिशियल जो वैल्यू है वो आपका ब्लैंक रहेगी, तो अगर मुझे ऑल रिकॉर्ड सर्च करना है तो मैं ब्लैंक ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा तो मुझे ऑल रिकॉर्ड मिल जाएगा। एस्केप कर गया और देखिए अब आपको अगर ऑल रिकॉर्ड सर्च करना है ठीक है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अगर आप खाली कोई 969 सर्च करना है तो 969 आ गया, और सारी गाड़ियां आ रही है, तो आपने 1969 प्लस क्लासिक कार सर्च करना है, ये हमने क्लासिक कार भी सर्च कर दिया ठीक है। अब आपने खाली मोटरसाइकिल सर्च करना है तो मोटरसाइकिल भी यानी आप फ्री हैं, आप किसी तरीके से भी इसको जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। अब आपका असाइनमेंट के अंदर आप मजीद चीजें भी ला सकते हैं जो मैंने भी नहीं की, वो ये है कि आप ये करना है आप कंट्री वाइज भी सर्च कर ले, सिटी वाइज भी सर्च कर ले, कस्टमर नेम वाइज भी सर्च कर ले, मजीद कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया आप चैनल को लगा सकते हैं, उसके अंदर जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड को वो पढ़ाना, वो आप अगर ट्राई करेंगे पहले तो कंट्री और कस्टमर वाइज करेंगे फिर उसके बाद जो करेंगे सबसे पहले तो ये करेंगे जो भी मैंने किया हुआ, तो ये आपके पास जो है ना सर्च प्रोडक्ट और दूसरा डेटा टेबल भी कवर करेंगे, तो डेटा टेबल के अंदर फायदा यह है कि उसके अंदर पहले से चीजें हमें बनी बनाई मिलती है, तो वो भी उसके अंदर हमें फायदा हो जाएगा कि वो जो है ना हमें बनानी नहीं पड़ेगी ठीक है। अब आखिरी टॉपिक जो है आज का वो है डिटेल प्रोडक्ट्स, तो यानी जब मैं डिटेल पे क्लिक करूं तो उसकी डिटेल आ जाए तो उसकी तरफ हम चलते हैं ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, डिटेल पे चले जाएं ठीक है ठीक है। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो मुझे बताएं, आप लोग खामोश हैं तो उसका मतलब यह है कि आप लोग कह रहे हैं समझ में आ रहा है, आगे चलें। ठीक है आगे चलते हैं, कोई क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रहा तो हम आगे जा सकते हैं। डिटेल प्रोडक्ट के अंदर मैं ये जो मैंने काम किया मैंने सी कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सर्च पर प्रोडक्ट मैंने बना दिया, इसी को हमने डिटेल बना दिया ठीक है, आसान काम हो गया। अब उसके बाद हमें करना ये है कि हम ये करेंगे इसके अंदर मुझे जस्ट डिटेल व्यू के बनानी है, ये तो आप हटा दें इसमें से, फिर उसके बाद ये नीचे जो डिटेल आ रही है इसको भी आप हटा दें, अब आपके पास ये फॉर्म रहेगा, अब इसमें आप यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में इस जगह पर जो है वो प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा, वैसे टीआर में बहुत सारे चाहिए ठीक है, ऐसे टीआर मुझे बहुत सारे चाहिए, तो कंट्रोल सी किया मैंने, ये नीचे दे दिया मैंने कंट्रोल सी कैटेगरी, फिर उसके बाद यहाँ हमने इसको दिया वेंडर, फिर उसके बाद हमने इसको दे दिया यहाँ पर यूनिट प्राइस, फ्यूचर में आपको पूरा टेम्पलेट बना हुआ मिलेगा, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है तो, लेकिन इतना काम आपको आना चाहिए क्योंकि टेम्पलेट में इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जा गई अब देखें कि अब मैंने इसको फॉर्म से बनाया हुआ कि अगर ये इस प्रोडक्ट को जैसे ये डिटेल पे जा गया ना
शॉपिंग कार्ट बना रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने इसको एंटर क्वांटिटी दे देंगे, ले देंगे इसको, अगर ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है कितनी क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे इनपुट दे देंगे इसको, नेम दे देंगे आप, सबमिट दे, इंपोर्ट टाइम सबमिट वैल्यू पहले वाले से लिंक है, चला के देखते हैं। इस पे आया था आगे, सिंपल सा पेज है, अभी हमें इतना ही काम करना है, अगर डिजाइन तो बना हुआ मिलेगा। अब इसके अंदर जो डिटेल मुझे लानी है वो भी सिंपल है, लेकिन पहले तो मुझे ये करना है कि डिटेल आएगी कैसे, डिटेल आएगी यहाँ से इसकी आईडी से, इसको प्राइमरी की कहते हैं, यानी ये कोड डिटेल में पास होगा, वहां से हम उसको एक्सेस करेंगे तो उससे डिटेल उठाएंगे, तो कोड को उस तक ले जाने के लिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि जीरो पोजिशन पे मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, ये रहा प्रोडक्ट कोड जीरो पे, वन यानी जीरो, तो इसको अगर दूसरे पेज तक ले जा रहा है, जैसे मैं वहां पर डिटेल को एक्सेस कर सकूं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पहले वाले पेज में जो डिटेल है इसमें लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो सबमिशन मेथड है इसको खुद से मैन्युअली बना रहे हैं, एक तो फॉर्म होता है ना, फॉर्म को खुद को खुद बन जाता है, आपकी इनपुट आ रही होती है, जिसमें हम इनपुट एक ट्रिगर कर रहे हैं जो दूसरे पेज पे जाएगी, क्वेश्चन मार्क क्यूरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, कोड या आईडी कहते हैं, आईडी इज इक्वल टू, और यहां से देंगे डॉलर रॉन्ग जीरो, तो ये आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाएगा जो दूसरे पेज तक लेके जाएगा, जहां से हम उसको रिसीव करेंगे और उसे डिटेल को उठाएंगे, सेव करते हैं, चला के देखते हैं, इस पे हम गए और इसको रिसर्च किया, अब देखिए मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं, तो ये बना रहा है आईडी इज इक्वल टू 10_2016, इस तरीके से इसको देखें तो हर एक की यूनिक आईडी हो, इससे मुझे डेटा को यहाँ पर कैट करना है और उसके लिए आज से यहाँ पर उसको पॉपुलेट करवाना है, ठीक है जी, तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा किस तरीके से यहाँ पर डिटेल के अंदर किस तरीके से होगा, फिर उसी क्लास के अंदर जो है ना वो हम रजिस्ट्रेशन पेज को भी स्टार्ट कर देंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, फिर उसी में आपको जावास्क्रिप्टिंग भी कवर करवाएंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर जेक्यूरी भी इसी में आ जाएगी, एजेक्स भी इसी में आ जाएगा, कैप्चा भी इसी में आ जाएगा, तो आपके सारे टॉपिक भी साथ साथ कवर हो रहे होंगे और आपकी वेबसाइट भी जो है ना वो बन रही है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, खासतौर पर अभी जो मैंने पढ़ाया ना क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, ये समझ में आया क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं, होपफुली सब लोगों को क्लियर होगा, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, नो सर कोई क्वेश्चन, ठीक है जी, तो आज इसको हम करेंगे ना असाइनमेंट वगैरह पता चल जाएगा, जब असाइनमेंट वगैरह करेंगे तो पता चल जाएगा सर, हाँ, और दूसरा मैंने आपको देखे वो आपको दी भी है कि जरूरी है कि हम दो दिन क्लास तो ले रहे हैं, अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें,
तो मैं 9 बजे की टाइमिंग है, 9 बजे आके आपके मसले को देख लेंगे, ठीक है ना, अलग से। जैसे अभी वो लिमिट का मसला आ रहा था, लिमिट यहाँ यूज होगी पेजिनेशन में ना, लिमिट को हम यूज करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होंगे। तो कोई भी मसला हो तो आप लोग जो है ना उसके अंदर एक आध दिन में टाइम दे दो। अब जैसे कल का है क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट टॉपिक में जब भी पढ़ा सकता हूँ जब ये वाला टॉपिक क्लियर हो, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिसको भी मसला हो कल तक इसकी प्रैक्टिस कर ले और कल मुझे लाजमी जो है ना बताएं कि भाई ये कोई मसला आ रहा है, ना परसों भी लेट हो जाएगी, परसों मजीद टॉपिक में कवर करवा दूंगा फिर मसला आएगा, ठीक है जी। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ी देर में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और साथ में ये मटेरियल जो है ना इसका ये वेबसाइट पूरी में डाल दूंगा, जिप फॉर्म में होगी, उसको आप अनजिप कर लीजिएगा। और जो है ना इसके अंदर आपको डेटाबेस कनेक्शन की भी फाइल पड़ी हुई है, वैसे वो अलग से भी मैं आपको दे दूंगा कि आप डेटाबेस कनेक्शन अगर आप उससे बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे।